हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। तकरीबन हम वही सब कलाकार हैं और कास्टिंग पे ही
सबसे पहले मैं प्रमोद जी को धन्यवाद दूंगा कि सक्षम कलाकारों की टीम एक खड़ी कर दी है, जिससे देखने में बड़ा मजा आएगा। दर्शकों को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। देव हैं, बल्लू भैया हैं, सुशील भैया हैं, कल्लू जी हैं, यामिनी जी हैं, बड़ा मजा आने वाला है। और कहानी अपने आप में बहुत संवेदनशील, बहुत पारिवारिक और बहुत इमोशनल है, तो जो भी देखेगा कहीं ना कहीं हर किरदार से अपने आप को एक कनेक्ट कर लेगा। और जैसा हमेशा होता है, लेकिन इस बार जरूरत से ज्यादा है कि ये कहानी यहाँ जरूर आपके दस्तक करेगी, इतना तो दावा। जैसा कि अभी मैं लगातार फिल्में बना रहा हूँ, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से मैच नहीं होता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट दूसरे से मैच ना हो। जैसे रब्बा इश्क न हुई थी तो एक लव स्टोरी थी, एक दूसरी तरह की फिल्म थी, और इसके बाद छलिया आई तो आउट एंड आउट सस्पेंस थ्रिलर एक्शन मूवी थी। उसमें भी बहुत अच्छा काम किया लोगों ने, हमारी टीम ने। और इसके बाद प्यार तो होना ही था, ये एक लव स्टोरी प्लस फैमिली ड्रामा, तो ये थोड़ा सा अब और हमारी फिल्मों से थोड़ा सा अलग हो गई है, तो इसलिए थोड़ा अच्छा रहेगा। बाकी तो फिल्म आएगी बनेगी उसके बाद ही पता चलेगा। कल्लू जी के साथ तीसरी फिल्म है, देव जी के साथ तीसरी है, समर्थ भैया के साथ दूसरी है, तो जो आर्टिस्ट मुझे पसंद आ जा रहे हैं मैं उनको कंटिन्यू कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगता है, बड़े डिसिप्लिन है ये इनके बारे में तो जरूर कहूँगा कि ये एक्टरों पे ट्रस्ट करते हैं और आँख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। इनको लगता है कि अगर मैंने इस रोल को जो इन्होंने लिखा है और चौहान जी ने मिलकर जो कैरेक्टर बुना है, उस कैरेक्टर को सही मायने में परिपूर्ण करने के लिए मुझे वैसा ही एक्टर चाहिए जो उसको परिपूर्ण करे, तो ये पहली जीत वहीं कर लेते। जैसे कि भैया ने बताया कि कास्टिंग के लिए बहुत बहुत बधाई है उनको, तो ये कास्टिंग के लिए बहुत मेहनत करते और अंदाज हुआ खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम कलाकारों के लिए, मतलब ठीक है देव इस बार फिर से नेगेटिव करें, लेकिन कुछ ना कुछ एक ऐसा पेच होगा जो देव के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। और मेरे लिए तो मुझे चक्री बना ही दिया है, तो इस बार मुझे घूमना है, वो एक सरप्राइज पैकेज होने वाला है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। सॉरी, आप कंटिन्यू करें। नहीं नहीं ठीक है, बाकी तो कर ही रहे हैं और आगे का देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हाँ थैंक यू। खुशी की बात है, ये प्रमोद जी यूथ हैं, अच्छा इनके पास विजन है और अच्छा प्रयास रहता है कि भोजपुरी भाषा कला संस्कृति के लिए कितना सुंदर तरीके से उसको प्रेजेंट करूं समाज के सामने, ये इनका हमेशा प्रयास रहा। प्रमोद जी हमारे छोटे भाई जैसे हैं और हमारे रियल ब्रदर में प्रमोद में कोई अंतर नहीं, बहुत दिनों से जुड़े हैं। और अभी आप लोग के माध्यम से हमने छलिया को हमेशा मीडिया के माध्यम से देखता रहा, प्रीमियर में भी गया था, काफ़ी अच्छा रिपोर्ट रहा उसका। तो मैं आशा करता हूँ कि प्यार तो होना ही था, तो ये भी सुपर हिट होनी चाहिए, अच्छा प्रसाद मिलना चाहिए, प्रोड्यूसर को दो पैसे की इनकम होना चाहिए, उसका मनोबल बढ़ना चाहिए। तो मैं प्रमोद जी को, प्रमोद जी की टीम को, चौहान साहब को, इनके प्रोड्यूसर को, कल्लू जिसमें एक्ट्रेस हैं, सॉरी वेरी सॉरी, कल्लू जिसमें अभिनेता हैं, यामिनी इसमें अभिनेत्री है, इनके पूरे इंटायर टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इसी तरह अच्छे टाइटल को लेके आए और अच्छी फिल्में बनाए, जिससे हमारे समाज में जो फिल्में नहीं देखना चाहते, जो या नहीं देखते हैं, ऐसे लोग आगे आना चाहिए। जब अच्छा फिल्म होगा, अच्छा टाइटल होगा, तो जरूर लोग आएंगे, दर्शक आएंगे और फिल्में चलेंगे। थैंक यू सो मच, मेरी यही शुभकामना है। सबसे पहले हमें देखने वाले सारे दर्शकों को मैं अरविंद अकेला कल्लू बार बार प्रणाम करता हूँ। और आज बड़ी खुशी की बात है कि फिर से प्रमोद सर के साथ हम लोग नए फिल्म का आज मुहूर्त किए, प्यार तो होना ही था। और बताते चलो कि बहुत खुशी होती है कि जब एक टीम फिर से एक फिल्म बनाती है, खास करके प्रमोद सर के साथ जब भी हम लोग काम करते हैं बहुत मज़ा आता है। और अब तो अमित सर हम लोग के साथ जुड़ गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जैसे आप लोगों ने पहले इसके पहले हमारी फिल्मों को प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है, उससे कहीं बढ़ के और आप लोग इस फिल्म को प्यार दें। देखिए हम लोग का हैट्रिक फिल्म, पहला था रब्बा इश्क ना हो, वो भी रोमांटिक थी, और
मैं बोला कि सर क्या रोमांस करवा रहे हैं, कुछ एक्शन वैक्शन कराइए। तो इतना नहीं छलिया में एक्शन करा दिया, हम बोले जाने दीजिए प्रणाम, अब फिर से हमसे रोमांस कराइए। तो इनके साथ इसलिए अच्छा लगता है कि ये समझते हैं मैं क्या करूँगा तो अच्छा लगूँगा। हर लोग फिल्म बनाते हैं, हर लोग अच्छा फिल्म बनाते हैं, लेकिन ये चीज़ों को समझते हैं कि मैं क्या करूँगा, हमको देख के प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये इनमें ये अच्छाई है, और काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है सेट पर। हम लोग हमारी और इनकी फीलिंग सेम होती है, हम जब भी एक्ट करते हैं कुछ भी अगर इधर उधर होता है तो इशारों में ये बता देते हैं कि बाबू ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो हम लोग समझ जाते हैं। और तीन फिल्म हो गई एक साथ, तो ऐसा बोल सकते हैं कि हम दो चीज एक जान हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे, बहुत ज़्यादा मतलब बड़े कुछ अंदर की चीज़ें पता है कि क्या उसमें दिखाएंगे। एक बार एक्शन कर लिया, आपने रोमांस कर लिया, फिर यहाँ पे रोमांस के साथ शब्द आ रहा है, तो क्या देखिए सर के साथ जब भी करते हैं कुछ नया करते हैं, हर लोग नया करते हैं, तो प्यार तो होना ही था, ये तो टाइटल है, लेकिन प्यार क्यों होना था, प्यार किस लिए होना था, ये सस्पेंस रहेगा। और ये मैं बता सकता हूँ कि अभी तक जितना हम लोगों ने, हम दोनों ने काम किया, ये अमित सर के साथ हमारी पहली फिल्म है, और भगवान करे कि ये शुरुआत कभी ख़त्म ही ना हो, हम लोग बैक टू बैक अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं। तो मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ हट के, दोनों फिल्मों से ज़्यादा हट के ये फिल्म हम लोग करेंगे, क्योंकि इसके राइटर जो हैं एसके चौहान जी, वो हमारी एक टीम है, प्रमोद से रहते हैं तो एसके चौहान से रहते हैं, हम रहते हैं, और खास करके छलिया की पूरी टीम रिपीट हो रही है। जैसे देव सिंह जी हैं हमारी इसमें एक्ट्रेस हैं, यामिनी सिंह जी, समर्थ भैया हैं, तो सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, तो उसका एक अलग ही आनंद आता है, अलग ही मज़ा आता है। तो पहले भी बोला कि कुछ हट के और कुछ नया बनाएंगे ताकि हमारे दर्शक पसंद करें। अभी तो आज मुहूर्त हुआ है, 8 जनवरी से हम लोग इसको लखनऊ में शूट कर रहे हैं पूरी फिल्म, और स्टार्ट टू एंड हम पूरी फिल्म जनवरी से आगे तक जब तक चलेगी तब तक कर लेंगे। और हमारा ये ऐसा सोचना है कि मैं दो बार से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं गर्मी के महीने में जून में फिल्में रिलीज करूँ, किसी कारण से एक आध महीना लेट हो जाती थी, इस बार मेरी पूरी ट्राई है कि मैं इसको किसी तरह से मई या जून के बीच में रिलीज कर दूँ। तो मैं एक बार में एक ही फिल्म बनाता हूँ और एक ही सब्जेक्ट पे पूरी तरह से काम करता हूँ, तो कोशिश ये रहती है कि एक फिल्म बनाऊँ, उसको रिलीज करूँ, उसके बाद दूसरी फिल्म। सर के बारे में क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर हैं, कैसे इनको आप साथ देंगे, क्या अमित का शेड्यूल 15 दिन में खत्म करेंगे कुछ इस तरह से? नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्वालिटी वर्क करते हैं और प्रोड्यूसर को पहले से ही बता के रखते हैं। अमित जी भोजपुरी सिनेमा में तो एक तरह से एक सरप्राइज की तरह से आए हैं, इनकी लैंग्वेज भी नहीं है, लेकिन इनके पास जितने भी 2,500 स्टाफ हैं सब लोग जो है ऑलमोस्ट हमारे यूपी और बिहार से ही आते हैं, इनका एक बड़ा सा अच्छा सा अटैचमेंट था, ऐसे हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन अभी इनको लगा कि एक अच्छा सिनेमा बनाना चाहिए बढ़िया से, और हम लोग ने म्यूचुअली एक डिस्कस किया और कर रहे हैं। अमित जी कंटिन्यू काम करेंगे, वेरी नाइस गाई, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आएँ और अच्छा करें, उसमें अमित जी का भी स्वागत है और करेंगे, हमारे अच्छे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, तो अच्छा से अच्छा ही करेंगे, और बहुत ही सुलझे हुए हैं, और हमेशा एक चीज़ बोलते रहते हैं, क्या बोलते हैं सर? बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ वैसे। हाँ, वैसे बोलते हैं, भुवन तुम हो तो सब हो जाएगा, आपको लगान का डायलॉग याद होगा जी। तो मैं कुछ भी बोलता हूँ सर ये ऐसा है, हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं अपने प्रोड्यूसर को एकदम कॉन्फिडेंस में लेकर और उनको सब कुछ बता के करते हैं। तो इसके लिए अमित जी जब भी बहुत चीज़ें, चूँकि अभी थोड़े से सिनेमा इंडस्ट्री के लिए नए हैं, वैसे शेयर मार्केट का काम है, लेकिन ये है कि जब भी इनको कुछ लगता है कि मैं डिटेल्स बहुत बोल रहा हूँ और फिर कन्फ्यूजन आ रहा है, तो भुवन तुम हो सब अच्छा है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे जब इन्होंने इतनी सारी बातें आपके लिए कह दी, तो आप क्या कहेंगे अब इस बारे में, आपको क्या क्या लग रहा है इसके? मुझे पहले से भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर, भोजपुरी संस्कृति के ऊपर प्यार था, काफ़ी हमेशा मैं एक्साइटेड रहता था कि कुछ ना कुछ मैं करूं, तो काफ़ी परिवार दोस्त के लोग, काफ़ी करीबी लोग वहां से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में प्रमोद जी हैं, भुवन हमका हिम्मत है तोरे, हमको भरोसा है तोरी हिम्मत पे। तो प्रमोद जी पुराने मित्र हैं, मिल गए एक बार, और अरविंद कल्लू जी उनका मैं फैन भी रहा हूँ, ज़्यादा मुझे पता नहीं है पर एक दो फिल्में उनकी जो जैसे जैसे रफ देखा था, तो तब से ऐसा इच्छा था कि अरविंद जी को साथ में लेके, और प्रमोद जी हमारे कैप्टन जो हैं उनके ऊपर तो पूरा कॉन्फिडेंस है, तो हमने कहा शुरुआत करते हैं, बस शुरुआत करिए, अभी आसमान बाकी है, रुकेंगे नहीं हम। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।
प्रमोद जी हमारे छोटे भाई हैं और बहुत मेहनती हैं और कोई भी काम बड़े दिल और ईमानदारी से काम करते हैं और इनके काम की काबिलियत ही है कि छलिया जैसे सुपरहिट पिक्चर इन्होंने दिया और इसके पहले भी पिक्चर जो बनाए वो सारी पिक्चरें हिट रही और ये भी पिक्चर हिट रहेगी, सुपर डुपर हिट रहेगी, ये हमारी शुभकामनाएं हैं और इनकी पूरे टीम को हम अच्छे से। आप क्या कहेंगे मैडम कि आज जो है शुरुआत हुई है, प्यार तो होना ही था, क्या मुहूर्त भी हुआ उसमें सारे लोग उपस्थित, क्या शुभकामनाएं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आयशा कश्यप आप सबको प्रणाम करती हूँ। मुझे एक्चुअली ये प्रमोद जी की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, इन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था, इस मूवी की डिटेल्स एवरीथिंग एंड आई एम सो सुपर एक्साइटेड टू इस मूवी को बनते देखने के लिए और इफ आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सो आई वुड बी रियली हैप्पी फॉर एंड बेस्ट विशेस फॉर आवर टीम, कल्लू जी को, सर को एंड एवरी आवर फुल टीम, एंटायर टीम। थैंक यू। उन्होंने फिर जो है साल में एक ही फिल्में लेके आते, बड़ी दमदार लाते, क्या कहेंगे उनके बारे में? हम हमार कुल जीवन जो बना तरह तरह के विभिन्न प्रकार के लीडर संगे बीतल बा, क्या कि हम बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट में काम के लिए बने जो टॉप 5 लीडर हमार दिमाग में चले लेना प्रमोद जी वो में से एक बने, क्या कि ही इज़ द वन ऑफ द पर्सन हु नेट द थिंग वेरी प्रॉपरली एंड ही नोज दैट हाउ टू प्रेजेंट एनी थिंग टू एनी वन, ही नोज हाउ टू प्रेजेंट चिली सेइंग दैट इट इज़ अ वनीला। ये प्रमोद जी बने पिक्चर बहुत बढ़िया बनी, हमके यकीन बा हमू साथे बनी हमू सीख। इंसान कैसे मैं आपको जानना चाहूँ? इंसान बड़े डरा देते हैं क्योंकि बहुत उसूल पसंद है बहुत ज़्यादा। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, आप इस मुहूर्त में आई हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो कैसे किस तरह से बधाई देंगे हमारे? जी थैंक यू सो मच, आप सभी को नमस्कार। बस मैं यही पूरी यूनिट जो भी इसमें काम कर रहे सबको मैं बधाई देना चाहूँगी, बहुत बहुत मुबारक हो हमारे प्रमोद सर को कि वो मूवी स्टार्ट कर रहे हैं। इनके बारे में जानना चाहते हैं कि आपसे मिले थे किस तरह से, कैसे इंसान? ये हमारी सेकेंड मुलाकात है हमारी सेकेंड मुलाकात है, इससे पहले एक बार ऑफिस में मुलाकात हुई है, तो इतना करीबी से तो नहीं बट जितना जानी हूँ बहुत अच्छे हैं। आप शुभकामनाएं दे रही हूँ। हाँ बहुत बहुत शुभकामनाएं है मेरी तरफ से इनको, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।